तो ये हमारा है ब्रिज कोर्स, जिसमें मैं इस सेकंड पार्ट में आपको आपकी बुक्स का इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। और इसमें मैंने आपकी बुक्स का जो फ्रंट लुक है वो लिया है, ताकि आप उसको बहुत आसानी से पहचान सकें। और आपको ये भी मैं बताती चलूँगी साथ साथ कि आपको इसमें कितने सब्जेक्ट्स की बुक्स लेनी है और कौन कौन सी लेनी है। चलिए अब चलते हैं पहले अपनी फर्स्ट एड की तरफ, कि उसमें हम देखते हैं कि क्या है हमारा। देखिए, ये है आपकी हिंदी की बुक्स। हिंदी में आपको 3 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। क्लास 6 में अभी तक आप एक ही किताब पढ़ते थे, रिमझिम, 5 भाग आपने पढ़ा है। लेकिन अब आपको, क्योंकि आप 6 क्लास में जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर पहला एक भाग एक बसंत का पढ़ना है, दूरवा भाग एक पढ़ना है, और एक बाल राम कथा पढ़नी है। ठीक है, ये तीनों बुक्स आपको हिंदी में पढ़नी पड़ेंगी। थोड़ी सी ज़्यादा कोर्स है आपके लिए, लेकिन ये है, इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो जाएगी और आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर हम आते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। दूसरा सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश, और इंग्लिश में आपको 2 बुक्स रहेंगी। एक है हनी सकल और एक आपकी है अ पैक्ट विद सन। ये एक सप्लीमेंट्री रीडर है। इसमें क्या है, सब आपके लिए एक पहेली की तरह रहेगा, लेकिन रीडिंग इज द मस्ट। आपको एक एक लेसन की कम से कम, मुझे लगता है, 50 साठ रीडिंग करनी चाहिए, ताकि आपको इस बुक के एक एक वर्ड को आपका दिमाग मगअप कर ले, जब आपको जरूरत पड़े तो उस वर्ड को आप यूज कर सकें। फिर आते हैं हम आपके थर्ड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स। उसमें आपके लिए एक ही किताब है, लेकिन एक ही किताब आपके लिए थोड़ी सी, अब तक जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है उससे थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, और इसको आपको ध्यान से करना होगा। मैथ्स में आपको जितनी बार चाहें उतना प्रैक्टिस कीजिए रफ नोटबुक लेकर के, तभी आप इस पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कभी भी इससे अपने आप को अलग मत कीजिए, और किसी की बातों में मत आइएगा कि ये बहुत हार्ड होता है। और स्पेशली गर्ल्स जो ये सोचती हैं कि मैथ्स जो है वो बहुत टफ होता है, मैथ्स इज़ वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, बट इट नीड्स योर टाइम। आपको बैठकर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आते हैं हम सोशल स्टडीज़ की तरफ। सोशल स्टडीज़ में फिर आपको 3 किताबें पढ़नी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सोशल स्टडीज़ में आपको 3 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। एक आपका है आवर पास्ट 1, जिसमें आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री मीन्स अपने पास्ट के बारे में। ये हम लोगों ने आपको क्लास 5th में भी बताया था, जब मैं आपको म्यूजियम के बारे में बता रही थी। वो जो हमारी एक लेसन है, द वॉल्स टेल्स द स्टोरी, उसमें मैंने आपको एक वर्ड आया था हिस्ट्री, तो मैंने उसको आपको एक्सप्लेनेशन भी किया था कि व्हाट इज हिस्ट्री, मींस स्टडिंग अबाउट द पास्ट, जो बीत चुका है उसके बारे में पढ़ना ही हमारी हिस्ट्री होती है। ये आपके लिए अलग एक बुक है, थोड़ी सी आपके लिए फर्स्ट क्लास में जो, मतलब 6th क्लास आपकी जो पहली क्लास है अपर प्राइमरी की, उसमें आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और सेकेंड बुक आपकी रहेगी द अर्थ आर हैबिटेट, अपनी पृथ्वी के बारे में। ये आपको ज्योग्राफी की नॉलेज देगी, टेक्स्ट बुक ऑन ऑन इन ज्योग्राफी। और आर हैबिटेट, हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, चाहे जैसे जानवर जो हैं वो कहाँ रहते हैं, जंगल में, तो उनका हैबिटेट है। हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं, तो वो हमारा हैबिटेट है। एक आप थर्ड बुक इसमें पढ़ेंगे, सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ 1। ये जो आपकी है सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ, इसमें आपको अपनी सोसाइटी के बारे में जो डिफरेंट नॉर्म्स हैं वो आप सीखेंगे, साथ में पॉलिटिकल लाइफ भी सीखेंगे कि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, नेशनल लेवल पर कौन है, स्टेट लेवल पर कौन है, सिटी लेवल पर क्या काम होता है, गांव ग्राम पंचायत लेवल पर क्या काम होता है। इसमें आप वो डिफरेंट चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कि एजुकेशन किसके ऑर्डर से काम होगा, लॉ, तो ये थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको इसमें दी जाएगी। इसी की 3ों किताबें हिंदी में भी अवेलेबल हैं, जो आप ले सकते हैं अपने लिए सप्लीमेंट्री, ताकि आपको अगर इंग्लिश समझ में ना आए तो आप हिंदी में ले सकते हैं। और इसमें लैंग्वेज आपको चूज़ करनी होती है कि आप अपना सोशल स्टडीज़ हिंदी में लेना चाहते हैं कि इंग्लिश में। ये आप अपनी क्लास में अपनी क्लास टीचर को वो पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। एंड डिपेंड्स ऑन यू, जिसमें भी आपको अच्छी मास्टरी हो, हिंदी में लिखने में आती हो तो हिंदी में ही लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इंग्लिश में अच्छा लगता है तो इंग्लिश मीडियम लीजिए, इसमें दोनों मीडियम आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर आपको एक नेक्स्ट लैंग्वेज, मीन्स जो थर्ड लैंग्वेज आपको सीखनी है, दैट इज संस्कृत। संस्कृत में आपके लिए किताब का नाम है रुचिरा प्रथमो भाग। ये आपके लिए किताब है, बहुत मज़ेदार है। संस्कृत इतनी इजी लैंग्वेज है कि उसमें अगर आपको रूल्स लर्न हो गए तो आप मैथ्स की तरह इसमें 100% मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। और ये हमारी देववाणी कहलाती है,
क्योंकि हमारे सारे वेद पुराण महाभारत गीता सब इसी संस्कृत के बेस पर लिखे हुए हैं। आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए और इट विल एनहेंस योर थिंकिंग पावर। और लास्ट में आपका सब्जेक्ट आता है साइंस, जिसमें आपकी बुक एक ही है, इसी में आपको सारी साइंस पढ़नी है, जिसका एक हिंदी मीडियम भी मैंने आपको दे दिया है जिसमें विज्ञान के नाम से आएगी। लेकिन यहाँ आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, अपने यहाँ केंद्रीय विद्यालय में आपको इसको इंग्लिश मीडियम में ही लेना होता है। तो बच्चों ये हैं आपकी के पूरे बुक्स जो मैं आपको दिखा दी हूँ। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आपके पास अब सब्जेक्ट्स जो हैं कितने होने वाले हैं, 3 लैंग्वेजेस हो जाएंगी और एक सोशल स्टडीज़ और एक आपकी साइंस, और क्या हो जाएगा साथ में मैथ्स, मींस आपके 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे इसमें। अब तक आप 4 पढ़ते आ रहे थे, अब आपके 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे इसमें। बाइफर्केशन सिर्फ आपके ईवीएस में हुआ है, जहां ईवीएस हम एक साथ पढ़ते थे, अब यहां साइंस और सोशल स्टडीज के नाम से 2 पार्ट और एक आपकी लैंग्वेज इंक्रीज हो जाती है यहां पर, जिसको हम कह रहे हैं संस्कृत। और अगर किसी स्कूल में जर्मन के कॉन्ट्रेक्चुअल सर्स होते हैं तो आप उसके इन प्लेस जर्मन पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो फिर आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, आपको संस्कृत ही लेनी पड़ती है। मुझे लगता है कि पहला वीडियो जो हमारा ब्रिज कोर्स का है वो यहाँ ख़त्म होता है, और नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आने वाला है वो मॉड्यूल पर बेस्ड होगा। मेरा फर्स्ट मॉड्यूल साइंस से होगा कि आपको उसमें क्या मैं देने वाली हूँ, ये आपके लिए एक रहेगा पहली की तरह। तब तक आप इसको देखिए, इन बुक्स का नाम नोट कर लीजिए और अपने लिए खरीद लीजिए। इनके अकॉर्डिंग आपको नोटबुक्स भी बनानी पड़ेंगी, और नोटबुक्स आप अपने टीचर्स के साथ बात करके ही बनाइएगा। बुक्स आप खरीद लीजिए, एनसीईआरटी की सारी बुक्स हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर क्लास 5th स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू द क्लास 6th, एंड गुड लक वंस अगेन फॉर योर रिजल्ट।